वत्स्यम व्यवशी फर्स्ट ईयर साहित्य वैभव इसमें स्मशान इस पाठ के द्वारा सभी छात्रों को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो विचार स्मशान और पर्वत के बीच में संभाषण चल रही थी, लेकिन आगे क्या हो सकता है आज तो विचार करेंगे। यहाँ पर 2 वर्ष भी नहीं बीत पाए, स्मशान के कानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा। यहाँ पर 2 वर्ष भी अभी तक न हो गया था, लेकिन स्मशान के कान है वो कानों में वही परिचित स्वर है, वो परिचित स्वर यहाँ पर सुनाई पड़ा और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इसके लिए वहाँ पर स्मशान वो सुंदर युवक का सेवा इंतजार कर रही थी, लेकिन वही स्वर यहाँ पर आने के बाद वो स्मशान को बहुत ही संतोष हो गया था। इसके लिए आश्चर्य का ठिकान नहीं है। जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपने तीसरी पत्नी की सेवा को जलाने आया है, लेकिन वहाँ किसका सेवा है? सुंदर युवक का सेवा नहीं है। पहली पत्नी का सेवा समाप्त हो गई था और सेकंड पत्नी का वहाँ पर सेवा भी वही अंत्यक्रिया समाप्त हो गई थी, लेकिन तीसरे समय यहाँ पर शिव सुंदर युवक का सेवा नहीं है। वो तीसरा समय भी किसका सेवा है? इनका तीसरा पत्नी का सेवा है। वो तीसरा पत्नी का सेवा जलाने के लिए या अंत्यक्रिया करने के लिए वहाँ पर आ रही थी। इसी समय वो सुंदर युवक ने वहाँ पर उनका प्रलाप है या इनका दुख है वो दुख बहुत ही जोर से व्यक्त करके साथ स्मशान की ओर आ रही है। उसने सोचा शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया हो। स्मशान ने यही विषय देखकर शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी की विवाह कर ली है, पर उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम ही जाता है। लेकिन इस तरह विचार करने के बाद यही सुंदर युवक का क्या है? प्रेम के बारे में उनका भ्रम है। इस तरह वहां पर स्मशान में सोचती है और इसके बाद पर इसका उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी जाना रहा। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुणा था। आज भी यही पहले समय और सेकंड टाइम और थर्ड टाइम इस तरह जो वहाँ पर तीसरा टाइम भी या तीसरा समय भी आ गया था। पहले समय में भी वही आक्रंदन था और दूसरा समय में भी वही तरह से आक्रंदन था और तीसरा समय लेकर वहाँ समय भी वही समय वही पहले समय किस तरह था वही सेकंड टाइम है वही तीसरा टाइम है। लेकिन इस तरह जो आक्रंदन में कोई चेंज नहीं है, आक्रंदन में बदल नहीं है, सेम पहला दूसरा और तीसरा किस तरह आक्रंदन है वही जो आक्रंदन यहाँ पर आ गई है और आज भी उसकी चित्कार हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उनका प्रलाप है, उनका दुख है, वो दुख हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके अश्रु गर्म सलाखों की भांति दृढ़ कर लेने थे। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर न था। स्मशान पर्वत के साथ बात करती है, पहले क्या दुख है, पहले का क्या प्रलाप है, वही तरह जो आज भी है, लेकिन इसके बीच में दोनों के बीच में या तीनों पहले सेकंड वन और थर्ड वन इस तरह हो गया ना, पहले पत्नी मर गया था और सेकंड पत्नी भी मर गया था और तीसरा पत्नी भी मर गया था। इस तरह जो 3 पत्नियों मरने के बाद वहाँ पर प्रलाप है या दुख है वो दुख में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह वो वहाँ पर स्मशान में पर्वत के साथ बात करती है उसकी बातें में बातें भी वही थी, उसकी बात भी चेंज नहीं है, वही बात है। केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी के सबसे अधिक गुणा
दिखाई दे रही थी, लेकिन थोड़ा ही अंतर है। थोड़ा ही अंतर क्या है उसमें भी उनकी गुण के बारे में यहाँ पर व्यक्त कर रही है। तीसरा पत्नी का गुणा है, वो तीसरा पत्नी का गुण के बारे में यहाँ पर सुंदरी वक्त व्यक्त कर रही है, लेकिन इतना ही अंतर ये छोड़कर बाकी क्या अंतर है, वो बाकी अंतर सेम ही है। पहले दो स्त्रियों का प्रेम बचपन था, नाश माझी थी, पहले उसकी अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामिनी तो तीसरी अग्रगामिनी थी, लेकिन यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया जा सकती है, पहले उसकी अनुगामिनी थी, पहले पत्नी मर गया था, वो पहले पत्नी का एक संकेत वहाँ पर देती है लेखक ने अनुगामिनी, और दूसरा पत्नी का सहगामिनी, दूसरा पत्नी किस तरह वहाँ पर संकेत देती है सहगामिनी, और तीसरा गामिनी, तीसरा जो पत्नी मर गया वो तीसरा पत्नी का अग्रगामिनी, इस तरह जो वहाँ पर अनुगामिनी और सहगामिनी और इसके साथ अग्रगामिनी, इस तरह वहाँ पर विशेषण के साथ लेखक ने वर्णन किया करती है। उसके पथ प्रदर्शक थी जिसकी किन वह एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता। वो तीनों पत्नी ने मरने के बाद एक ही बात करती है वहाँ पर सुंदर युवक ने, आपके बिना मैं यहाँ पर जीवित न सकता हूँ, जिस तरह बात करती है, लेकिन वो बात बहुत दिनों तक उनकी याद में न रहती है, वो भूल सकती है, वही पुरानी बात है। ये बात किस तरह बात है, पुरानी बात है, लेकिन आज का बात नहीं है। पहली पत्नी मरने के बाद भी इस तरह ही बात है, सेकंड पत्नी मरने के बाद भी वही किया, और इनका तीसरा पत्नी मरने के बाद भी वही तरह बात करती है, इसके लिए ये बात बहुत ही पुराने का बात है। वही विलाप वही क्रंदन, मानो इसका बावन के साथ कोई संबंध न हो। वही आक्रंदन है, वही विलाप है, वही क्रंदन है, वहाँ पर प्रलाप है, वहाँ पर दुख है, लेकिन इसमें भी कोई अंतर नहीं है। कंठस्थ पाठ की तरह उसे दोहरा रहा हो, जिस तरह समझने के बाद लेखक यहाँ पर क्या लिखती है वो कंठस्थ किया गया है, वो सुंदर युवक ने कंठस्थ किया गया है। आक्रमण के बारे में सोचा था और दुख के बारे में सोचा था और प्रलाप के बारे में वहाँ पर सोचा था, और उनकी बात किस तरह आती है वो बात के बारे में भी वो व्यक्ति ने सोचा था, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें कोई अंतर नहीं है कहे तो वहाँ पर क्या अर्थ हो सकता है, ये सुंदर युवक ने कंठस्थ की गई है, ये कंठस्थ करने की करते हैं, कोई एक छात्र ने कंठस्थ पोएम किस तरह करती है उसी तरह यहाँ पर सुंदर युवक ने यही शब्दों को कंठस्थ की गई है, जिस तरह वहाँ पर लेखक आपका अभिप्राय है वो आपका अभिप्राय यहाँ पर व्यक्त करती है, यही बात स्मशान में पर्वत के साथ करती है। मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को स्मशान अपने हृदय में बड़े यत्न से संजोए बैठा था, उसका वही हृदय इस दृश्य को पत्थर हो गया, लेकिन इस तरह जो दृश्य देख के साथ वहाँ पर स्मशान का हृदय है या स्मशान का दिल है, वो स्मशान का हृदय किस तरह हो गई है, पत्थर के समान हो गई है। पत्थर एक निर्जीव वस्तु है, पत्थर में जीव नहीं है, इस तरह वहाँ पर स्मशान का हृदय है या स्मशान का भावना है या स्मशान के विचार है या स्मशान की दिल है, वो सभी किस तरह हो गई है, पत्थर के समान हो गई है। और पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी, स्मशान के नज़दीक क्या है, वहाँ पर पहाड़ी है, पहाड़ी कहे तो वहाँ पर पर्वत है, पर्वत ये सभी हालत देख रही है, तरस खा कर बोली पत्थर ने, वहाँ पर पर्वत ने स्मशान को बोलती है, सचमुच तुम मूर्ख हो, सचमुच आप किस तरह है मूर्ख है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास ज्ञान है तो पहले ही समय आपने विचार की करती है, लेकिन आप विचार करती रही है, लेकिन आज तक भी आपको मालूम न हो, इसके लिए पर्वत ने स्मशान को क्या कहती है, आप किस तरह है मूर्ख है, और
इतने भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है, आपको मालूम इतना समय तक भी ना हो गया कि मनुष्य क्या करती है, प्रेम करती है। मनुष्य के मन में क्या है, प्रेम की भावना है, प्रेम की भावना रहती है, उसे जीवन पे कम प्यार नहीं। लेकिन वो व्यक्ति ने जीवन भर ही प्रेम करने के ही साथ उनकी जीवन बिताती है। वह प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं करता। मानव ने किस तरह है प्रेम के बारे में स्मृति है और प्रेम के बारे में कल्पना करती है और प्रेम के बारे में आध्यात्मिक रीति से जो भावना पर ही उनकी जिंदा नहीं रहता है। जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है, लेकिन उनकी जो जीवन है वो जीवन पूर्ण करने के लिए फिर वो व्यक्ति क्या करते हैं उनकी जिंदगी में या उनके जीवन में प्रेम करता है। जीवित रहने के ललक के चलने से वह हर वियोग जो लेता है व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आपस करता है। लेकिन अंतिम क्षणों में वहाँ पर पर्वत ने सूचन देती है स्मशान को, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आपस करते हैं। लेकिन मनुष्य ने क्या इस तरह विचार करती है, प्रेम तो मनुष्य अपने आपस से करता है। जो प्रेम के बारे में मानव ने विचार करती है या मनुष्य ने विचार करती है, प्रेम ही इनका श्रेष्ठ है। इस तरह पर्वत वो स्मशान को सूचन देने के साथ ये पाठ समाप्त होती है। लेकिन आगे क्या हो सकता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। यही पाठ में एक शब्द वाक्यांश का या वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, 8 प्रश्न हैं। वो 8 प्रश्नों को आप जरूरी लिखना चाहिए। और सेकंड वन में यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। ये 2 या 3 अंक का प्रश्न है, यहाँ पर ग्रामर नहीं है। लेकिन यही पाठ समाप्त होने के बाद नेक्स्ट है जो खून का रिश्ता के बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरे तरफ से धन्यवाद।